हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम। आज हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ने वाले हैं और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने भी अगर इसको कभी नहीं पढ़ा है तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, जो भी यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीजीटी जीएससी वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नाउ अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं बेटा, तो ये क्या होती हैं? तुम्हारी पेयर्ड नर्व्स होती हैं, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम PNS जिसे बोला जाता है। सो पेयर्ड नर्व्स ऑफ द PNS दैट कनेक्ट द मसल्स एंड सेंस ऑर्गन ऑफ द हेड एंड द थोरेसिक रीजन डायरेक्टली टू द ब्रेन। सो बेसिकली जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, हेड वाला रीजन वाला पूरा पार्ट है, और तुम्हारा थोरेसिक वाला पार्ट है, यहाँ से जितने भी मसल्स जा रहे हैं, चाहे फेस की मसल्स हैं, तुम्हारे मैंडिबल्स की मसल है, तो ये सारा जो कनेक्शन होता है हेड रीजन से, कैसे कनेक्ट होते हैं? थ्रू क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, मतलब जैसे फिशेज हो गए, आपके एम्फीबियंस हो गए हैं, उनके अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती हैं। सिर्फ 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गया है, जैसे आपके बर्ड्स हो गए हैं, आपके मैमल्स हो गए हैं, इनके अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती है। तो पहली बात तो यही डिफरेंस याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, फिशेज एम्फीबियंस में 10 पेयर्स होगा और ये सारे जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती है। नाउ अब क्रेनियल नर्व्स कैसे याद रखनी है वो चीजें मैं बता रही हूँ, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं और आपको प्रॉपरली टर्म्स तो याद होनी चाहिए कि कौन सी पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है O3 T2 के पास जाता है और बोलता है एक अफवाह फैली हुई है, AFA। O3 T2 के पास जाता है, एक अफवाह फैली हुई है, तो मतलब O3 में क्या होगा? ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूमुलेटर, ये तो हमारा हो गया O3 हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रोकियर एंड ट्राइजर्मिनल, जिसे T2 बोला जाता है। उसके बाद एक अफवाह फैली हुई है A, F और A, इसे ऑडिटरी बोला जाता है। वेस्टिबुलो कॉकलियर को ऑडिटरी नर्व्स भी बोला जाता है। तो हम 8 तक पहुंच गए, कंप्लीट जो होती हैं 12 होती हैं। उसके बाद में वेगस इंपॉर्टेंट है, 10th वाली, उससे पहले वाली जो होती है ग्लॉसोफेरेंजियल होती है, और उसके बाद में जो होती है एक्सेसरी होती है, स्पाइनल एक्सेसरी होगी, और हाइपोग्लॉसल जो है लास्ट वाली है। तो ये चारों हम ऐसे याद कर सकते हैं, और उसको याद करने का क्या फॉर्मूला है? O3 T2 AFA। O3 मतलब हो गया ऑल्फैक्टरी, उसका मतलब हो गया ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल वाला कंडीशन होगा, ऑप्टिक मतलब जो देखने वाला कंडीशन होगा, साइट वाली कंडीशन होगी, और हमारा है फिर ऑक्यूमुलेटर। T2 में पहले आएगा ट्रोक्लियर, पहले ट्रोक्लियर आएगा, फिर ट्राइजर्मिनल आएगा, फिर ट्राइजर्मिनल आएगा। ए इज एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस आएगा, ये तुम्हारी फेशियल नर्व हो जाएगी, और ए मतलब हो जाएगा ऑडिटरी नर्व हो जाएगी। तो ये होती है तुम्हारी 12 के 12 क्रेनियल नर्व्स। अब हम देखते हैं कि लोकेशन कहाँ होती है। देखो जो ये मैंने ऑरेंज से दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो चीजें होती है बेटा, इसे बोला जाता है ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब बोला जाता है, और इसे लोब से जो निकलती है उसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व यहाँ से निकलेगी, इस पर्टिकुलर लोब से, इज अ सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड जो निकलती है वो तुम्हारी ऑप्टिक नर्व होती है, जो ऑप्टिक लोब से निकलेगी। ये जो लोब है बेटा, ये ऑप्टिक लोब है, और ऑप्टिक लोब से कौन सी निकलेगी? ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ से निकलने वाली है। मैं एक बार सबको इरेज कर देती हूँ जिससे तुम्हें समझ में और अच्छे से आ जाएगा। नाउ अगर हम उसकी बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड वाला रीजन है, देखो मिड ब्रेन से जो निकलती है वो थर्ड और फोर्थ निकलती है, मतलब ऑक्यूमुलेटर और फोर्थ वाली तुम्हारी ट्रोक्लियर, दोनों की दोनों जो है मिड ब्रेन से निकलती है, यहाँ से निकलती है, मिड ब्रेन से निकलती है दोनों की दोनों, ठीक है। थर्ड और फोर्थ तुम्हारी मिड ब्रेन से निकलेंगे। उसके बाद जो पोन्स वाला रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है बेटा, ये पोन्स वाला रीजन है सारा का सारा, जो मैंने तुम्हें दिखा रखा है, जो पिंक कलर, जो गुलाबी कलर, हाँ पिंक ही है, हाँ तो पिंक कलर में जो दिखा रखा है उसमें तुम्हारा 5th, 6th, 7th और 8th, ये चारों के चारों आपकी पोन से निकलने वाली हैं, ठीक है। कौन कौन सी निकलेंगी बेटा? आपकी ट्राइजर्मिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल एंड वेस्टिबुलर कॉक्लिया, जिसे हम ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं, ये सारी की सारी निकलती है आपकी पोन्स वाले रीजन से, पोन्स वाले रीजन से निकलेंगी। अब आता है मेडुला वाला रीजन, जो बिल्कुल नीचे वाला रीजन होता है जहाँ से क्रेनियल नर्व्स निकल के जाती है। तो मेडुला वाले रीजन में जो होती है ग्लॉसोफेरिंजियल होगी, वेगस निकलेगी, स्पाइनल एक्सेसरी निकलेगी, और हाइपोग्लॉसल निकलेगी। तो ये सारी की सारी आपको मेडुला वाले रीजन से निकलती है। तो पहली बात तो लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ से निकल रही है। तो ये 5 लोकेशन याद रखनी है, उसके साथ साथ तुम्हें ये क्रेनियल नर्व्स
पे याद रखनी है। कैसे याद करोगे? O3 T2 AFA, उसके बाद ग्लोसोफेरेंजियल, पहले वेगस लिखना है बीच वाला, टेंथ वाला, उससे पहले जो आती है ग्लोसोफेरेंजियल आती है, उसके बाद जो आती है स्पाइनल एक्सेसरी आती है, और लास्ट में हाइपोग्लोसल आती है, हाइपोग्लोसल आती है। तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेते हैं। जब हम ऑप्टिक ट्रैक की बात करते हैं, आपसे ऑप्टिक तुम्हारा निकलती है, नर्व निकलती है, ऊपर एक ऑल्फैक्टरी लोब होता है, वहां से ऑल्फैक्टरी निकलती है, मिड ब्रेन से जो बेसिकली निकल रही है तुम्हारी ऑक्यूमुलेटर है और ट्रोक्लियर है, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है अभी क्योंकि ये आगे वाला पार्ट है। अगर हम पोल्स की बात करते हैं, यहाँ से तुम्हारा ट्राइजेमिनल निकलती है, एब्ड्यूसेंस निकलती है, फेशियल निकलती है, और ऑडिटरी नर्व निकलती है जिसे वेस्टिबुलर कोक्लियर भी बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व है। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा मेडुला वाला रीजन, जहां पे तुम्हारा ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, हाइपोग्लोसल और स्पाइनल एक्सेसरी, ये चारों के चारों कहां से निकलेंगी? मेडुला वाले रीजन से निकलने वाली है। उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक तो या फिर तो वेंट्रल रूट ले सकती हैं या फिर यहां पे डोर्सल रूट ले सकती हैं, दोनों रूट यहां पे लिया जाता है। तो उसके बाद यहां पे तुम्हारा फेस वगैरह पूरा जो मूवमेंट है इन्हीं क्रेनियल नर्व्स की वजह से देखने को मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये 12 नर्व होती हैं, लेकिन जब हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो 0 हायर वर्टिब्रेट्स बात करते हैं तो 12 नर्व होती हैं, लेकिन एक कभी मतलब पढ़ा होगा तुम लोगों ने एक 0 नर्व भी होती है, 0 नर्व भी होती है जिसे हम टर्मिनल नर्व बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं जो बिल्कुल टर्मिनल पे होगी, जो ब्रेन के टर्मिनल पे होगी। क्रेनियल नर्व 0 भी बोलते हैं और ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ओके, ये तुम्हारे ऑल्फैक्टरी सैक से निकलती है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी सैक से निकलेगी, जो ऊपर वाला रीजन है वहां से निकल के बिल्कुल टर्मिनल से होकर निकल जाती है। ये जो इलाज्मोब्रैंक है, जो कार्टिलेजनस फिशेज हैं, कार्टिलेजनस फिशेज जो है उनमें ये देखने को मिलती है। ओके, अब ये जो जैकोब्सन ऑर्गन होता है जो ऑल्फैक्टरी से रिलेटेड होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैकोब्सन ऑर्गन जो है ऑल्फैक्टरी से रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारी जो टर्मिनल नर्व है वो यहाँ से इसे अटैच रहती है और एसोसिएट रहती है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है टर्मिनल नर्व का तो याद रखना है ऑल्फैक्टरी सैक से निकलेगी, नॉर्मली इलाज्मोब्रैंक्स में देखने को मिलती है और जैकोब्सन जो ऑर्गन है उसे एसोसिएट रहती है। ओके, अब हम बात करेंगे एक एक करके सब चीजों की। आई होप ये कलर विजिबल होगा। अब मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे तुम्हारा जो कलर वाला प्रॉब्लम है वो ना आए। ओके, चलो अब आता है पहला ऑल्फैक्टरी नर्व। अभी हमने देखा था कहाँ से निकल रही थी, ऑल्फैक्टरी लोब से निकल रही थी, ये है तुम्हारे ऑल्फैक्टरी लोब, यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व निकल रही थी, तो ये वाला ऑल्फैक्टरी लोब से निकल रही है। ओके, ये क्या करती है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ये सेंसरी नर्व है बेटा। देखो एक होती है सेंसरी नर्व, ठीक है, और एक होती है मोटर नर्व, ठीक है, मोटर नर्व। अभी जो सेंसरी नर्व है, जैसे तुम्हारे स्मेल हो गया है, ठीक है, साइट हो गया है, और सुनने वाली कंडीशन हो गई, ऑडिटरी वाली कंडीशन हो गई, ये सारी की सारी सेंसरी वाली होती हैं। मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है, सेंसर मतलब ली जाती है। अब मोटर नर्व में क्या होता है, जैसे तुम्हें इंफॉर्मेशन वापस देनी है, मतलब कोई चीज ऐसी है जहाँ पे मूवमेंट कराना है, वहां कंडीशन जो होगी मोटर नर्व की आने वाली है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल्फैक्टरी है, स्मेल की बात उसकी बात करें, स्मेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंसरी नर्व का जो फंक्शन है वो देखने को मिलता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ब्रेन के पास में जाती है रिगार्डिंग स्मेल। तो ये चीज याद रखनी है, क्योंकि हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम जो होता है नेजल कैविटी में, जैसे माना कि नेजल कैविटी थी, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम होता है, वहाँ पे ये जो सेंसरी नर्व्स हैं, जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अगर कोई भी यहाँ पे ऐसी खुशबू आती है, एरोमा आता है, तो ये क्या करता है, ये लेके जाता है ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन, और ब्रेन बता देता है कि अच्छा ये वाली चीज ये वाली है, ठीक है। तो ये पहला ऑल्फैक्टरी नर्व हो गया है। सेकेंड आते हैं ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक मतलब क्या हो गया, ऑप्टिक लोब से निकलेगी ऑब्वियसली, और यहाँ पे ये भी क्या होगी, सेंसरी होगी, क्योंकि आपको देखना है, ठीक है, देखना है। तो विजन इन्वॉल्व होता है, रेटिना ऑफ आई से ये जो है ऑप्टिक नर्व निकलती है। आई थिंक सबने पढ़ा होगा, ये तुम्हारा रेटिना होता है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है निकलती है, और ये जो है जब भी तुम्हें देखना होता है, ये जो है ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगी, और ब्रेन बाद में तुम्हें इसको सिग्नल देगा, और विजन जो है वो हमें देखने को प्रॉपरली चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये ऑप्टिक नर्व भी याद रखनी है। उसके बाद आते हैं ऑक्यूमुलेटर, मोटर। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारे मिड ब्रेन से निकलती है, फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन, अभी बता चुकी हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो होता है मोटर फंक्शन होता है, मोटर नर्व है, ये मोटर नर्व है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आई बॉल है, जो तुम अपनी आंखें घुमाते हो ना, आयरिस, लेंस और आईलेट, इनका जो मूवमेंट है वो तुम्हारा ऑक्यूलो मोटर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो इसको भी याद रखना है, मोटर है ये, और इसमें चार मसल्स जो है, यहाँ से जो नर्व है बेटा, ये चार मसल्स में जाती है। देखो सुपीरियर
सुपीरियर रेक्टस मसल वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुपीरियर रेक्टस जो मसल्स हैं वो कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, ऑक्यूमुलेटर नर्व से आएगी। तो सुपीरियर रेक्टस मसल हो गया पहला, उसके बाद इंफीरियर रेक्टस मसल हो गया है, उसके बाद इंटरनल रेक्टस मसल हो गया है, उसके बाद इंफीरियर ऑब्लिक मसल हो गया है। तो चार होती हैं, सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, इंटरनल रेक्टस मसल एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई वॉल। इनमें जाके इंफॉर्मेशन जाती है और जाने के बाद में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आई वॉल, आयरिस और लेंस का, आईलेट का मूवमेंट जो है देखने को मिलता है। तो ये चारों के चारों मसल्स याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब आते हैं फोर्थ वाली पे, जो ट्रॉक्लियर नर्व है। ठीक है, ये क्या करती है, ये तुम्हारी एक फ्लोर ऑफ मिडब्रेन से निकलेगी, ये भी मोटर प्रोटीन मोटर नर्व है जो रोटेशन ऑफ आईबॉल कराती है। तो ऑक्यूमुलेटर ट्रॉकियर नर्व दोनों के दोनों क्या करती है, वो भी तुम्हारा रोटेशन ऑफ आईबॉल करा रही थी, मूवमेंट करा रही थी, ये रोटेशन कराएगी। ठीक है, ये क्या कराएगी, रोटेशन कराएगी, और वो क्या करा रही थी, मूवमेंट करा रही थी। अब देखो, इट कंट्रोल द सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आईबॉल। तो जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल होती है, यहाँ पे देखोगे क्या थी, यहाँ पे थी इंफीरियर ऑब्लिक मसल। तो ऑक्यूमुलेटर में जो थी इंफीरियर ऑब्लिक मसल थी, यहाँ पे सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है उसको कंट्रोल करती है। दो, इट इज अ स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। तो ये कौन सी है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है बेटा, ये स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट इंट्रा क्रेनियल कोर्स होता है। मतलब क्या हुआ है, जब हम इंट्रा क्रेनियल की बात करते हैं, मतलब क्रेनियम के अंदर की बात अगर करते हैं, उस टाइम पे इसका जो कोर्स होता है, जो इसका जो चीजें होती हैं, इसका जो एरिया होता है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, फिलहाल इतना ही याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सोन जो है वहां पे इसके कम होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइजेमिनल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है बेटा, ये सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ट्राइजेमिनल नर्व सबसे बड़ी है और यहाँ पे दोनों के दोनों फंक्शन आते हैं, सेंसरी भी होगा जहाँ पे सेंस करनी होंगी चीजें, और मोटर भी होगा जहाँ पे मूवमेंट कराना होगा। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है मिक्सड नर्व। इसको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड नर्व बोला जाता है। और कहाँ से अराइज होती है, कौन से अराइज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कि इसके डिवीजन पूछे जाते हैं। तो पहला होता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन। बेटा ऑप्थेल्मिक का मतलब ही क्या है, ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या है, आई से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। मतलब जैसे स्कार्प हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया है, अपर आईलिड वाला पार्ट हो गया, तो जो ऊपर वाला ब्रेन वाला पार्ट है ना, सारा का सारा ऑप्थेल्मिक में आ जाएगा। फोरहेड वाला पार्ट हो गया है, यहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे पास की जाती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन पास करेगा। मैक्सिलरी, देखो ये वाला जो चिक वाला पार्ट, चीक्स वाला पार्ट है, अपर लिप वाला पार्ट है, नीजल कैविटी वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो मैक्सिलरी, ठीक है, मैक्सिलरी जो होगा ये भी सेंसरी इंफॉर्मेशन का पार्ट है। जब हम मैंडिबुलर की बात करते हैं, तो टीथ वाला पार्ट हो गया, ये वाला चिन वाला पार्ट हो गया है तुम्हारा, ये जॉ वाला पार्ट हो गया है, यहाँ पे सेंसरी के साथ साथ मोटर फंक्शन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों में सेंसरी फंक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरा मिक्स्ड जो है वो देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली ये मूव, देखो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे लोअर लिप हो गया, चिन के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, लेकिन अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो तुम्हारा जो जॉ का जो मूवमेंट होता है विद इन योर जॉ, तो ये जो मूवमेंट होता है वो इस मैंडिबुलर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो इस वाले पार्ट में तुम्हारे ट्राइजेमिनल जो नर्व है उसका मेन रोल देखने को मिलता है। याद रखना है, ऑप्थेल्मिक हो गया, मैक्सिलरी हो गया, मैंडिबुलर हो गया। ओके, अब ऑप्थेल्मिक जो होता है सेंसरी होगा, मैंडिबुलर मैक्सिलरी होगा सेंसरी, और मैंडिबुलर क्या होता है, मिक्स्ड वाला होता है, मिक्स्ड वाला होगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कि कौन सा गैंग्लिया जो है ट्राइजेमिनल में देखने को मिलता है। गैंग्लिया बेटा, आई थिंक सबको पता होगा गैंग्लियंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे गैसेरियन गैंग्लिया देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे इस वाले पार्ट में, जो माउथ जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, वहां पे देखने को मिलेगा। तो गैसेरियन गैंग्लिया जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, और ट्राइजेमिनल नर्व पूरे तुम्हारे ये वाले पार्ट में देखने को मिल जाती है, तो ये चीज याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिक्स, एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जो है लेटरल रेक्टस मसल के थ्रू क्या करती है, यहाँ पे एंटर करेगी, और ये कहाँ की है, आई की है, लेटरल रेक्टस मसल। देखो हमने पहले वाले में इंफीरियर पढ़ा था, सुपीरियर रेक्टस मसल पढ़ा था, और तुम्हारा कौन सा पढ़ा था, इंटरनल पढ़ा था। अब ये कौन सी है, लेटरल रेक्टस मसल है, जो तुम्हारे एब्ड्यूसेंस में देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे इसका अपना नर्व जो है इधर आके काम करेगी, लेटरल रेक्टस मसल को मूवमेंट जो कराना होगा वो यहाँ पे कराने वाली है। ये मोटर प्रोटीन है ऑब्वियसली, तो मूवमेंट देखने को मिलने वाला है, तो आई का मूवमेंट जो है देखने को मिलता है। तो तुम्हारे तीन तीन जो है वो तुम्हारा आई का मूवमेंट कराती है, लेकिन सबकी मसल अलग अलग है, तो ये चीज याद रखनी है। तो ये भी कौन से अराइज होंगी, तो ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है सेवेंथ, विच इज फेशियल नर्व। यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ही पूछा जाता है, तभी उनके सामने लिखा है जिनके लिए इंपॉर्टेंट है। जेनिकुलेट जो गैंग्लिया है वो फेशियल नर्व में देखने को मिलता है। अब इसका डिविजन जो है बहुत ज्यादा हो रखा है। अब देखो, ऑप्थेल्मिक वाला पार्ट हो गया, सुपर फेशियल हो गया है, मतलब जो हेड वाला रीजन है वहां पे इसका जो जो नर्व है वो आएंगी, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। बकेलिस कौन सा हो गया, बकल कैविटी वाला पार्ट हो गया तुम्हारा, बकल कैविटी वाला पार्ट हो गया है। मैंडिबुलरिस हो गया है, मैंडिबल्स वाला पार्ट हो गया, जॉज वाला पार्ट जो हो गया है वहां पे देगा अपना कंट्रीब्यूशन। हायोमैंडिबुलरिस जो बिल्कुल नीचे वाली कंडीशन होती है, यहां पे देखने को मिलेगा मैंडिबल्स के नीचे। उसके बाद में मैंडिबुलरिस इंटरना हो गया है, तीनों सेम हो गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहां पे याद हो जाएगा। हायोडेस नर्व हो गई है, पैलेटाइंस हो गया है, तो यहां पे तुम्हारा जो है ये फेशियल नर्व जो है अपना आके यहां पे इंफॉर्मेशन देता है, और उसके बाद में जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। अब ये मिक्स्ड है बेटा, यहाँ पे भी मोटर है और यहाँ पे भी सेंसरी है, मोटर है और सेंसरी है। ओके, अब जैसे मैंडिबुलरिस हो गया, ये कैसा होगा, मोटर और सेंसरी होगा, ऑप्थेल्मिक कैसा होगा, ये खाली सेंसरी होने वाला है, तो इसलिए इसको मिक्स नर्व बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट होता है टंग का, मतलब जो जो तुम्हारी जीभ है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है, टू थर्ड वाला पार्ट होता है, वहां पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ब्लड से, सॉरी ब्रेन से आती है, और वहां पे जो मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है वो फेशियल नर्व की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट होता है टंग का, उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन जो तुम बनाते हो मुंह टेढ़ा करके और ये सब करके, पाउट वगैरह जो बनाते हो, ये पॉसिबल हो पाता है। टेस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि बकेलिस की बात कर रहे हैं तो बकल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, टेस्ट है, च्यूइंग जो तुम करते हो, और मूवमेंट ऑफ द नेक, नेक का जो मूवमेंट है, क्योंकि हायोडेस नर्व है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ नेक है वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये फेशियल नर्व में सारा का सारा इसका काम देखने को मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन से आती है और ये सब जो काम है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी तुम्हारा पोन्स में प्रेजेंट होता है, कौन सी चीजें अराइज होती हैं फेशियल नर्व, और तुम्हारे इस पर्टिकुलर पार्ट्स में यहाँ पे आके अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। उसके बाद जो काम होता है वो ये सारा काम जो है इनकी वजह से हो पाता है। नाउ एट इज वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, और ये ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। इसमें अकाउस्टिक गैंग्लिया होते हैं, हमने तीन गैंग्लिया पढ़े हैं, एक अकाउस्टिक गैंग्लिया पढ़ा है जो तुम्हारे एट्थ वाले में है, हमने जेनिकुलेट गैंग्लिया पढ़ा है जो सेवेंथ वाले में है, हमने ट्राइजेमिनल में कौन सा पढ़ा है, गैसेरियम गैंग्लिया पढ़ा है। ये तीनों के तीनों गैंग्लिया याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछे जाते हैं। देखो वेस्टिबुलो कॉक्लियर का मतलब क्या होता है, जब हम वेस्टिब्यूल की बात करते हैं, अगर ईयर किसी ने पढ़ा है तो ये बहुत अच्छे से उसको पता होगा। और एक होता है कॉक्लियर वाला रीजन, कॉक्लियर रीजन क्या करता है, ये तुम्हारा हियरिंग में हेल्प करेगा, हियरिंग में हेल्प करेगा, सुनने में हेल्प करेगा। और वेस्टिब्यूल क्या करता है, बैलेंस को बनाता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है कि तुम कहीं गिर ना जाओ, तुम जैसे चलना है वैसे चलो, तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर को ऑडिटरी नर्व भी बोलता है और अकाउस्टिक गैंग्लियर इसमें देखने को मिलते हैं। तो हियरिंग पॉसिबल होगी और इसमें क्या होगा, तुम्हारा बैलेंस जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो है पोन से अराइज होती है, ये सेरिब्रल जो नर्व है और क्रेनियल नर्व जो है वो तुम्हारी पोन से अराइज होती है। सेंसरी है ऑब्वियसली, क्योंकि सुनने में काम कर रही है, तो यहाँ पे सेंसरी है, और हियरिंग और इक्विलिब्रियम इसका काम होता है। मोटर नहीं है, याद रखना है, हम लास्ट में एक बार रिवाइज करेंगे कौन सी मोटर थी कौन सी सेंसरी थी। ओके, नाउ नाइन्थ पे आते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है, जिसे पेट्रोसल गैंग्लिया इसमें देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, और वेगस नर्व इंपॉर्टेंट है, ये कुछ पता होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा फेशियल हो गया है, ट्राइजेमिनल हो गया है, ये नाइन्थ वाली हो गई ग्लोसोफेरिंजियल। अब देखो ग्लोसोफेरिंजियल का मतलब ये हो गया कि फेरिंग्स वाले रीजन की बात कर रहे हैं और टंग वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ग्लोसो मतलब टंग वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो फेरिंजियल ब्रांच होगी 1/3 पोस्टीरियर टंग, देखो 2/3 किसने कवर कर लिया, 2/3 कवर कर लिया तुम्हारे फेशियल नर्व ने, फेशियल नर्व ने क्या कर लिया, 2/3 कवर कर लिया। ग्लोसोफेरिंजियल ने क्या कर दिया, पीछे वाला जो 1/3 बचा था उसको यहाँ पे कवर कर लिया है। गिल क्लेफ्ट जो होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो नॉर्मली तुम्हारे फिशेस में देखने को मिलती थी, गिल क्लेफ्ट हो गए हैं, वहां पे जाके पोस्ट ट्रॉमेटिक नर्व, प्री ट्रॉमेटिक नर्व जो तुम्हारे गिल्स वाले पार्ट में देखने को मिलती है, तो इन सब में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है देखने को मिलता है। और इसीलिए क्योंकि ये तुम्हारे टंग वाले रीजन में आ रही है, तो ये तो देखो मिक्स हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट कराएगी फेरिंग्स का, तो सेंसरी होगी क्योंकि ये टेस्ट में भी काम आ रही है, और मूवमेंट कराते से मोटर भी हो जाएगी, तो मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स वाला रीजन, क्योंकि ग्लोसोफेरिंजियल इसका नाम है तो वो से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और टेस्ट में भी काम आती है, और मेडुलर रीजन से यहाँ से अराइज ये क्रेनियल नर्व होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेगस नर्व, जिसे हम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व बोला जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो न्यूमो हो गया,
और गैस्ट्रिक हो गया, गैस्ट्रिक से तुम्हें समझ में आ गया होगा हम यहाँ पे कैविटी की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन हो गया या फिर जो गैस्ट्रिक वाला जो स्टमक वाला पार्ट है वो सारा का सारा हो गया, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, जैसे तुम्हारा स्टमक हो गया है, लंग्स हो गई है, न्यूमो का मतलब ही लंग्स हो गया है, लंग्स हो गई है, तुम्हारा हार्ट वाली कंडीशन हो गई है। तो ये जो वेगस नर्व है बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना है, न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व होगा जो तुम्हारे लंग्स को भी इनर्वेट करती है और स्टमक को भी इनर्वेट करेगी, दोनों को इनर्वेट करेंगे। अब देखो ब्रेंकियालेस हो गया है और विस्रेलेस हो गया है, लिटरलेस हो गया है, ये इसके डिवीजन है बेटा। ब्रेंकियालेस का मतलब ही क्या होता है, नॉर्मली तुम्हें पता होगा कि ब्रेंकियल डिवीजन बोला जाता है जब हम गिल्स की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास लंग्स है तो लंग्स में इसका देखने को मिलता है। विस्रेलेस का मतलब होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स में अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, तो जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए आपके, जैसे इंटेस्टाइन हो गया है, स्टमक हो गया है, हार्ट हो गया है, वहां इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। और लिटरलेस मतलब जो पूरा लिटर वाला पार्ट है। ओके, तो ये भी कैसे होने वाली है, मिक्स्ड होने वाली है, मोटर और सेंसरी होगी। वोकल कॉर्ड्स में इसका रोल देखने को मिलता है, लंग्स में देखने को मिलेगा, सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया है, तुम्हारा इंटेस्टाइन हो गया है, हार्ट बीट में रोल देखने को मिलेगा। तो ये वेगस नर्व का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेडुला रीजन से वहां से अराइज होती है। आई होप ये समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज। ओके, अब देखते हैं एक्सेसरी नर्व और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। देखो एक्सेसरी नर्व और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है, क्योंकि हाइपोग्लोसल फिर भी पूछा जाएगा तो ये कम पूछा जाता है, बट स्टिल याद रखना है। ये क्या करती है, जो तुम्हारी नेक के मसल्स हैं, जो तुम्हारी गर्दन के मसल हैं, उनको कंट्रोल करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है। तो ऑब्वियसली मोटर प्रोटीन होगी, मोटर नर्व होगी, और यहाँ पे मसल्स ऑफ फेरिंग्स हो गया है, लैरिंग्स हो गया है, शोल्डर मूवमेंट हो गया है। तो ये क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होगी तुम्हारे बिल्कुल पीछे से आती है, ठीक है, तुम्हारे जो गर्दन वाला रीजन है ना पीछे वाला, वहां से आती है। तो यहाँ पे शोल्डर का मूवमेंट हो गया है, लैरिंग्स का मूवमेंट हो गया है, मसल्स और जो फेरिंग्स की होती है वहां पे इसका रोल देखने को मिलता है, और ये भी मेडुला वाले रीजन से अराइज होती है। 12th is hypoglossal nerve, यहाँ पे जो होता है मूवमेंट होता है जो मसल्स का, जो टंग के पास, देखो hypoglossal का मतलब टंग हो गया, ग्लोसल का मतलब क्या हो गया, टंग हो गया, हाइपो मतलब टंग के थोड़ा नीचे, मतलब जैसे ग्लोसोफेरेंजियल तो बिल्कुल ऊपर ऊपर था, ये हाइपोग्लोसल वाली कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ये भी मोटर होगी, मूवमेंट ऑफ टंग कराएगी, और ये भी साइड ऑफ मेडुला से निकलने वाली है। तो अभी हमने कितनी सारी की सारी पढ़ ली है, तो एक बार हम पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं तो चीजें पूरी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। एक सेकेंड, इट इज ऑल द इन। हाँ देखो, अब देखो हमने देखा O3, पहले O3 याद रखना, O3 मतलब ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑक्यूमुलेटर। देखो दोनों के दोनों, पहले दोनों जो है सेंसरी है, पहले दोनों के दोनों सेंसरी है, उसके बाद तुम्हारी मोटर आती है, उसके बाद मोटर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दो सेंसरी हो गए, एक मोटर आ गई है। तो पहली दो जो है सेंसरी हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मोटर हो जाती है दोनों के दोनों, क्योंकि ये भी मोटर है, ट्रोक्लियर। और जो फिफ्थ वाली आती है, जो क्योंकि सबसे बड़ी लार्जेस्ट है, कौन सी है, ट्राइजेमिनल है, तो ये कौन सी हो जाती है बेटा, ये मिक्स्ड हो जाती है, जो सेंसरी प्लस मोटर दोनों होने वाली है। फिफ्थ ये हो गई है, अब सिक्स कौन सी आती है, एब्ड्यूसेंस आती है। तो सिक्स्थ वाली जो है मोटर है, सिक्स्थ वाली जो है मोटर है, और सेवेंथ वाली कौन सी है, वो है फेशियल। अगर फेशियल है तो कैसी होने वाली है, मिक्स्ड होने वाली है, मतलब सेंसरी प्लस मोटर दोनों के दोनों यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आती है एट्थ वाली, एट्थ कौन सी है, तुम्हारी ऑडिटरी है, तो ऑब्वियसली सेंसरी होगी। नाइन्थ वाली इंपॉर्टेंट है, मिक्स होगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी मिक्स है, वेगस भी तुम्हारी मिक्स होगी। और लास्ट वाली दोनों कैसी होने वाली है, मोटर यहाँ पे होने वाली है। तो मैं इसके थ्रू आपको बता देती हूँ, तो पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एक सेकेंड, हाँ देखो ये पहले याद कैसे रखना है, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक है, सेंसरी होने वाली है ऑब्वियसली, ठीक है, सेंसरी होने वाली है। ऑक्यूमुलेटर ट्रॉक्लियर जो है वो मोटर होती है, तभी मूवमेंट हो पाता है तुम्हारे आईबॉल का, इन सबका मूवमेंट पॉसिबल है। ट्राइजेमिनल जो कि सबसे बड़ी है बेटा, तो इसलिए याद रखना है, ये कैसी होने वाली है, मिक्स्ड होने वाली है, मिक्स्ड होने वाली है, मतलब सेंसरी प्लस मोटर दोनों होने वाली है। एब्ड्यूसल जो होगी वो मोटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी आईबॉल का मूवमेंट कराती है। फेशियल जो होती है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिक्स होने वाली है, सेंसरी और मोटर दोनों के दोनों इसमें देखने को मिलने वाली है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर को क्या बोला जाता है, ऑडिटरी बोला जाता है, इसलिए क्या होगी, सेंसरी होगी, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, सिर्फ सुनना है। ओके, ग्लॉसोफेरिंजियल जो होती है क्योंकि बहुत बड़ी है, तो ये भी क्या होने वाली है, मिक्स्ड होने वाली है, सेंसरी प्लस मोटर होने वाली है। अगर हम वेगस की बात करते हैं तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्या होगी, मिक्स्ड हो जाएगी, सेंसरी प्लस मोटर हो जाएगी। और लास्ट वाली दोनों की दोनों क्या है, तुम्हारी मोटर क्रेनियल नर्व्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये चीजें याद रखनी है। तो ऐसे याद रखना है O3 T2 AFA,
O3, T2, AFA, तो O की जो सेकेंड वाली होंगी वो सेंसरी होंगी, ये वाली दो वाली जो होंगी मोटर होंगी, उसके बाद मिक्स्ड आ जाएगी, फिर से मोटर आएगी, फिर मिक्स आ जाएगी, और ऑडिटरी वगैरह वाली तो पता चल जाएंगी तुम लोगों को, ये मिक्स सेंसरी है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है, देखो ट्राइजेमिनल इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ वाली इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ वाली इम्पोर्टेंट है, सेवेंथ वाली इम्पोर्टेंट है, फेशियल इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में नाइन्थ ग्लॉसोफेरेंजियल इम्पोर्टेंट है, और टेंथ वेगस इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों तो याद रखनी ही रखनी है, इनके गैंग्लियंस भी याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं बाद में देख लेती हूँ, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वहाँ पे मैं वीडियोस भी बना देती हूँ उसे रिगार्डिंग। और अगर कोई भी नया बच्चा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ में, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर जो है बढ़ रहे हैं, और अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो मोटिवेशन मेरे को भी फील होगा, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगी, जो नॉर्मली तो मैं टॉपिक्स कहीं से नहीं मिलते हैं तो वो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। अगर किसी बच्चे का ये है कि मुझे मैम ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करा दीजिए, तो वो भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।